गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिफन जय एंड यू आर वाचिंग बाइक्स एंड मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है वायरलेस एलईडी हेलमेट लाइट लेके। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खरीदा है bangoo.com से, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो गाइस, bangoo.com का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कस्टम्स अलग से नहीं देना पड़ता है, तो कस्टम्स का जो झंझट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इससे आप वायरलेस इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, उसके साथ साथ ब्रेक इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इसको यूज करना है और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये bangoo.com से आ चुका है, और चलिए इसको खोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे इसको खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट हेलमेट लाइट। सो गाइस, चलिए प्रोडक्ट को निकालते हैं, जो बॉक्स है बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको निकालते हैं। सो गाइस, ये है आपका प्रोडक्ट, और इसका जो लुक्स है मुझे परफेक्ट लग रहा है मेरे हेलमेट के लिए। तो मेरे जो हेलमेट है उसमें ये परफेक्टली फिट आएगा, और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वेलक्रो, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना और इसको खोलने के लिए कोई झंझट नहीं है। तो चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हो और इसको फिर से लगा भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है पावर बटन, उसके साथ साथ यहाँ पे मिल रहा है चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट, और यहाँ पे पावर इंडिकेटर। तो प्रोडक्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। इसको मिलता है एक बिग थंब, और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा वेलक्रो जो आप दूसरे हेलमेट में भी यूज़ कर सकते हो इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है यूएसबी केबल इसको चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे जो केबल का क्वालिटी है मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली जो मिलता है वो है इसका कंट्रोलर, और आप बोल सकते हो सिग्नल ट्रांसमीटर। तो ये 12 वोल्ट है, और कोई भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, कोई भी मोटरसाइकिल पर फिट हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है देखते हैं। इंस्टॉलेशन। तो चलिए गाइस, कैसे आपको आपका जो हेलमेट है उसमें आपका जो लाइट है कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो वेलक्रो है उसके अंदर जो आपका गमिंग शीट है उसको आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो गमिंग शीट है उसको आपको धीरे से निकाल लेना है, और उसके बाद सेम वे दूसरे साइड पर जो गमिंग शीट है उसको भी आपको निकाल लेना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे गमिंग शीट को रिमूव करने के बाद इसको साइड में रख दीजिए, और आपका जो हेलमेट है उसको ले लीजिए, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। तो उस एरिया को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, और इसके बाद आपका जो लाइट है उसको आपको धीरे से आपका जो सेंटर अलाइन है उसको चेक करके आपका जो हेलमेट है उसमें आपको फिट करना है। तो इसको धीरे से प्रेस करके इसको सेट कर लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये जो हेलमेट है इसमें जो लाइट है ये परफेक्टली फिट आ रहा है। तो इसका जो डिज़ाइन है इसके साथ एकदम परफेक्टली जा रहा है, मेरे ख्याल से ये इसके लिए बना हुआ था। सो गाइस, आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वेलक्रो मिल जाएगा जो दूसरे हेलमेट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको धीरे से आपको रिमूव कर लेना है, और इसके बाद जो वेलक्रो है उसको आपको धीरे से प्रेस करके इसको परफेक्टली आपको सेट कर लेना है। इतना ही काम है, इसके बाद आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यहाँ पे सबसे बेहतरीन लगा मुझे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, जब चाहो आप इसको खोल सकते हो और इसको चार्ज में डाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको चार्ज कंप्लीट होने के बाद इसको आप फिर से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मिलता है एक बिग थंब। सो गाइस, आपका जो मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल का जो सीट कवर है उसको खोल लेना है, और यहाँ पे आपका जो टेल लाइट है टेल लाइट के वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा प्लग्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो मेन कंट्रोलर है उसका जो वायर्स है उसको जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे मेन कंट्रोलर जो है उसका जो वायर है उसको आपको खोल लेना है, तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वायरिंग डायग्राम देखा है तो ये है आपका मेन कंट्रोलर। तो मेन कंट्रोलर का जो ग्रीन कलर का वायर है वो है ग्राउंड, और यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो वायर है वो है लेफ्ट, एंड ब्लू कलर का जो वायर है वो है राइट, और यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है वो है ब्रेक लाइट के लिए। तो यहाँ पे जो वायर्स है ये कंट्रोलर के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो होंडा हॉर्नेट है उसका डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो टेल लाइट है टेल लाइट के यहाँ पे आपको 3 प्लग्स मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए जो 3 प्लग्स है यहाँ पे आपको ये चेंजेस करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास होंडा हॉर्नेट है तो सेम रहेगा, और अगर आपका दूसरा कोई मोटरसाइकिल है तो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 पिन का प्लग है वहाँ पे ब्लू कलर का जो वायर है वो है राइट, और ऑरेंज कलर का जो वायर है वो है लेफ्ट के लिए, और सिंगल पीस आपको एक ग्रीन कलर का वायर मिल जाएगा जो प्लग है वो है आपका ग्राउंड,
और यहाँ पे जो 2 पिन का प्लग मिलेगा वहाँ पे ग्रीन कलर का जो वायर है वो है आपके ब्रेक लाइट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर का जो रेड कलर का ब्रेक लाइट का वायर है उसको ग्रीन कलर का जो ब्रेक लाइट का वायर है आपका मोटरसाइकिल का वहाँ पे जोड़ना है, और यहाँ पे ग्राउंड के साथ ग्राउंड को जोड़ना है, और यहाँ पे ऑरेंज लेफ्ट के साथ ऑरेंज लेफ्ट आपको जोड़ना है, और यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर का राइट है उसके साथ ब्लू कलर का जो राइट है उसको जोड़ना है। तो इतना ही काम है, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू कलर का वायर है उसको आपको जोड़ना है आपका जो स्काई ब्लू कलर का वायर है उसके साथ, और ऑरेंज के साथ ऑरेंज को जोड़ना है। तो चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपका जो काम है वो परफेक्टली होगा। और ग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे एक सिंगल पिन प्लग मिल जाएगा जिसका कलर है ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन के साथ आपको ग्रीन को जोड़ना है। तो चाहे तो यहाँ पे भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे आपका जो काम है वो परफेक्टली होगा। और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट के लिए एक 2 पिन का प्लग मिल जाएगा जहाँ पे ग्रीन कलर का जो वायर है उसके साथ आपको रेड कलर का जो वायर है उसको जोड़ लेना है, तो यहाँ पे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं इसका जो काम है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रेक है, ब्रेक को प्रेस करने के साथ साथ जो लाइट है वो जल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो और यहाँ पे जितना भी वायर्स है उसको आपको ड्रेसिंग कर लेना है, और उसको फिर से आपका जो टेल है टेल के वहाँ पे प्लेस कर लेना है। तो इतना ही काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन टिप्स एंड लेटेस्ट वीडियो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए गुड डे। फॉर मोर न्यू वीडियोस एंड फ्री स्टिकर फाइल क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक।